जैसा कि आज हम आपको टेजरेट क्रीम 0.1% के बारे में बताएंगे। टेजरेट क्रीम का उपयोग डॉक्टर हमें कब करने के लिए देता है, हमें कौन सी दिक्कत कौन सी परेशानी रहती है, तब इस क्रीम का उपयोग डॉक्टर हमें करने के लिए देता है। आज हम इसी के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। इस क्रीम का उपयोग डॉक्टर हमें चेहरे पर जब पिंपल्स निकल आते हैं, पिंपल के साथ साथ पंछा आता है और लालीपना हो जाता है चेहरे पर, छेला चेहरे में एक प्रकार से स्वेलिंग जैसा हो जाता है, तब इस ट्यूब का उपयोग क्रीम का उपयोग डॉक्टर करने के लिए हमें देता है। और भी परेशानी होने पर डॉक्टर हमें टेजरेट क्रीम का उपयोग करने के लिए देता है। एक प्रकार से इसका उपयोग चेहरे पर किसी भी प्रकार का पिंपल्स निकल आया हो, जैसे एक प्रकार मुहामा हो गया हो चेहरे पर, चेहरे से दाने दाने जैसा फेस पे एकदम हो गया हो, फिर इस का उपयोग डॉक्टर हमें चेहरे पर लगाने के लिए देता है। पिंपल्स हो जाने पर ये काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स करता है, इससे क्रीम को लगाकर धूप में नहीं निकला जाता है। डॉक्टर हमें ये पिंपल्स निकालने पर देता है। और भी परेशानी होने पर, जैसे चेहरे पर कोई कीड़ा मकोड़ा लग गया हो, चेहरे पर स्वेलिंग आ गई हो, चेहरा लालीपना हो गया हो, या एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि कोई दाना सा निकला है, उसमें भी चेहरे पर इस क्रीम का उपयोग डॉक्टर करने के लिए हमें देता है। या वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए है, कोई भी क्रीम कोई भी दवा आप अपनी मर्ज़ी से ना लगाएं, या वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए। अगर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होती है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क करके फिर कोई दवाई या कोई